अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि फेडरल बोर्ड ने अपनी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की पॉलिसी तब्दील कर दी है, सो लेट्स डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पॉलिसी एंड द न्यू प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पॉलिसी। जो पुरानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की पॉलिसी थी उसमें 9th और 10th के प्रैक्टिकल्स इकट्ठे होते थे 10th क्लास में, और जो नई पॉलिसी है उसमें 9th, 10th, 1st ईयर, 2nd ईयर के अलग अलग प्रैक्टिकल्स होंगे। जो पुरानी प्रैक्टिकल की पॉलिसी थी उसमें आपको प्रैक्टिकल्स की कॉपी बनानी पड़ती थी, वेयर एज जो नई पॉलिसी है उसमें आपको प्रैक्टिकल्स की कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो पुरानी प्रैक्टिकल्स की पॉलिसी थी उसके उसके मुताबिक आपका वाइवा एग्ज़ाम होता था और उस वाइवा एग्ज़ाम के नंबर होते थे, जबकि जो नई एग्जामिनेशन पॉलिसी है प्रैक्टिकल्स की उसके अंदर आपका वाइवा कंडक्ट नहीं होगा। पुरानी जो प्रैक्टिकल्स की पॉलिसी थी उसमें आपको इन रिटर्न जो है वो प्रैक्टिकल्स नहीं करने होते थे, आपको सिर्फ जाके परफॉर्म करना होता था और उसके बाद आपकी कॉपी के नंबर होते थे और आपका प्रैक्टिकल होता था। वेयर एज जो नई पॉलिसी है उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट होगी, यानी कि जिस तरह आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के न्यूमेरिकल्स होते हैं तो उसी तरह से आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और आप क्वेश्चंस जो हैं उनको एक रिस्ट्रिक्टेड शीट के ऊपर जिस तरह आप पेपर करते हैं उसी तरह से आप उनको अटेम्प्ट करेंगे, और वो वाला जो पेपर है वो बोर्ड के पास जाएगा और वहाँ पे जाके चेक होगा। जो पुरानी प्रैक्टिकल्स की पॉलिसी थी उसमें काफ़ी सारे नंबर्स जो हैं वो एग्जामिनर के हाथ में होते थे, यानी प्रैक्टिकल की कॉपी के नंबर एग्जामिनर ने लगाने होते थे, वाइवा के जो नंबर होते थे वो भी एग्जामिनर लगाता था, जबकि जो नई प्रैक्टिकल की पॉलिसी है जिसको प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट या PBA कहा जाएगा उसके अंदर एग्जामिनर के पास कोई मार्क्स नहीं होंगे, एग्जामिनर सिर्फ एक इन्विजिलेटर होगा। पेपर आप कंडक्ट करेंगे, पेपर को आप अटेम्प्ट करेंगे और आपका पेपर बोर्ड के पास सबमिट होगा और बोर्ड के अंदर ही आपका प्रैक्टिकल का पेपर चेक होगा जिस तरह से बाकी पेपर्स चेक होते हैं। अब जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें काफ़ी सारे लूप होल्स थे, जैसा कि बच्चों के साथ फेवरेटिज्म होता था, कुछ बच्चों के नंबर ज़्यादा लग जाते थे और कुछ बच्चों के नंबर कम लगते होते थे। हम सब ये जानते हैं कि जो अच्छे स्कूल होते थे वो अपने सारे बच्चों के पूरे पूरे नंबर लगवा लिया करते होते थे, और जो नई पॉलिसी है उसमें ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। उसमें जो बच्चे की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होगी उस परफॉर्मेंस की बेस पे उसको प्रैक्टिकल्स के अंदर नंबर लगेंगे। ये जो नई पॉलिसी है ये 2024 से इम्प्लीमेंट होगी 9th क्लास में और 11th क्लास में, और वही 9th और 11th के बच्चे जब 2025 में जाएंगे तो उनके ऊपर 10th क्लास में और 2nd ईयर के अंदर भी यही पॉलिसी जो है ये इम्प्लीमेंट होगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।